दोस्तों, हम आए हैं कुछ रहस्यों के लिए। कल हम जाएंगे गैलेक्सी, आज हम उसमें डिनर करने के लिए आए हैं। ये आप नीचे देख रहे हैं, इंडिया की डाइनिंग हॉल। यहाँ से नीचे बेसमेंट में उनका बैठने का है, वो ये देखते हैं वहाँ पे कैसा खाना है। ऐसे सुना तो बहुत है कि यहाँ बहुत अच्छा मिलता है खाना। ये जो इंडिया की डाइनिंग हॉल है वो भुज में मुंद्रा रोड पे है। तो आप किसी ऑटो वाले को या किसी को भी बोलोगे तो वो आपको यहाँ पे छोड़ देगा। तो आइए देखते हैं कैसा लगता है। काजू करेल आप हाँ ये काजू गाठिया ओके पची रेवा दो ना आ शू बस ये आप हाँ ईज बस एक रोटली दाल बाटी है, ये गाठिया और काजू का साग है, ये रेंगन भरता है, ये बटेटा और पालक की सब्जी है, रोटला है, भाकरी है और ये दाल बाटी और छाछ। छाछ का ये पूरा जग भर के दिया है। ये सब अचार है और ये पूरा सलाद है। तो ये डिश देख के ही अभी मुझे मेरी भूख और बढ़ गई है। तो ये चखने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि कैसा है। अभी मैं खाना खाता हूँ। हाँ तो जैसा है मैंने आपको बताया कि मेरा खाना ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया, खिचड़ी कढ़ी बाकी है। तो सब्जी में मैं आपको बताऊं कि पालक और पोटैटो उनकी जो सब्जी थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। दूसरा बैंगन का भरता, वो बैंगन का भरता भी बहुत ही टेस्टी था। और रोटला के साथ अभी थोड़ी ठंडी भी है तो खाने में मज़ा आ गया। ये दाल बाटी थी, दाल बाटी भी गर्मा गर्म थी और वो भी खाने में बहुत ही अच्छी थी टेस्ट में। और ये काजू और सेव का गांठिया का, काजू गांठिया का ये सब्जी था वो भी बहुत अच्छा था। तो अभी लास्ट में ये मसाला खिचड़ी और ये सादी खिचड़ी। ये मसाला खिचड़ी खाली मैंने टेस्ट करने के लिए ली है।
और ये सादी खिचड़ी और कढ़ी, वो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि जब भी आपको भूज आना हुआ तो आप मुंद्रा रोड पे ये उमिया की डाइनिंग हॉल में एक बार ज़रूर आइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे एक मैंने एक यूनिक बात ऐसी देखी कि नॉर्मली हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे लंच का जो रेट होता है वो कम होता है और डिनर का ज़्यादा होता है, मगर यहाँ पे लंच का 250 रुपया है खाने का और डिनर का 200 रुपया है। तो ऐसा क्यों है वो तो मुझे पता नहीं, मगर हम कोशिश करेंगे जानने की। एक मिनट, नॉर्मली आपने हमारे यहाँ लंच 250 रुपये में डिनर 200 रुपये क्या माँ, हम तो लंच में स्वीट हुए बे स्वीट बे फर्सा यहाँ पे नॉर्मल स्वीट फर्सा वगैरह तो हमारे लिए क्या लंच में बे स्वीट है इसे बे फर्सा पर बाकी यार खिचड़ी ने ये बोलूँ पाते हैं ना ना सवारे खिचड़ी दाल पर ये एक साझा दाल पर तो नहीं दाल पर कच्छ भुज में और भी बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट टाइम में हमने ट्राई किया है जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करना। तो बस हमारी कच्छ टूर में बने रहिए, इसी तरह से घूमो फिरो खाओ पियो और मस्त रहो। एंड डोंट फॉरगेट टू कीप वॉचिंग विद डिस्कवरिंग डियोज़।